तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको टाटा स्टील शेयर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिसमें आपको इस शेयर का टाइम पीरियड, स्टॉप लॉस, टारगेट पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबाएँ ताकि ऐसी और भी नई नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारी स्क्रीन पे। तो दोस्तों, हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो दोस्तों, जब ये मार्केट स्टार्ट हुई थी तो इसका रेट था 1270 रुपये, और दोस्तों जो इसका करंट में रेट है वो है 1295 रुपये। और दोस्तों, इस टाइम मार्केट क्लोज हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मार्केट क्लोज हो चुकी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम इसके टारगेट, स्टॉप लॉस और टाइम पीरियड के बारे में। तो दोस्तों, जो इस शेयर का टारगेट जाएगा वो 1350 रुपये तक जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 1350 रुपये तक इसका टारगेट जाएगा। और दोस्तों, अगर ये शेयर लॉस में जाता है तो 1274 रुपये आप इसका स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके टाइम पीरियड की। तो दोस्तों, इसका टाइम पीरियड 1 वीक का है। जी हाँ दोस्तों, 1 वीक का इसका टाइम पीरियड है। तो दोस्तों, इसका मार्केट क्लोज है, मार्केट जैसे ही ओपन होती है आप इसे बेचक खरीद सकते हैं। और दोस्तों, इसका टारगेट 1350 रुपये तक जाएगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो दोस्तों, यही थी हमारी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।